भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे भारत का गौरव हैं, इतिहास पुरुष हैं, जिन्हें हमारा पूरा देश सम्मान देता है, उनकी शहादत को नमन करता है, जिनको भारत रत्न प्राप्त है, ऐसे महान शख्सियत के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमर्यादित असंयमित टिप्पणी की गई है। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त लोग, सारे कांग्रेस जन एकत्रित होकर महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जी के माध्यम से भेज रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय उनको हमारा पत्र भेजें, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने इस कुकृत्य के लिए, अपने इस असंयमित भाषा शैली के लिए देश से माफ़ी मांगें और शहीदों की शहादत का सम्मान करना सीखें, वरना देश आने वाले समय में उन्हें माफ़ नहीं करेगा। वो कहते हैं कि हमारा कल्चर हिंदुस्तानी है, अगर ऐसा कल्चर हिंदुस्तानी है तो शर्म आनी चाहिए जो है इस तरीके का व्यवहार करते हुए। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्तर को बहुत ज़्यादा गिरा रखा है। मैं और हमारी सारी पार्टी और सारे सब लोग ये चाहते हैं कि राजनीति के स्तर को इतना गिरने ना दें, इसलिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के संबंध में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके की टिप्पणी की है वो अशोभनीय है, और हम सब कांग्रेस जन बरेली के इस टिप्पणी की निंदा करते हैं। समाज में एक प्रथा है, व्यवहार है, कहा जाता है जो व्यक्ति मर जाता है उसकी किसी बुराई को उसके बाद दोहराया नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने वो काम एक मृतक व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है उसके संबंध में ऐसी टिप्पणी कर निंदनीय काम किया है, जिसकी हम सब भर्त्सना करते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि मोदी जी आइंदा ऐसी टिप्पणी ना करें।